सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं अपने प्रोड्यूसर, अपने डायरेक्टर और लाइफ ओके चैनल के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी. इट्स अ ब्यूटिफुल शो एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एक नई उम्मीद रोशनी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीरियल ऑलरेडी ऑन एयर है, बहुत ही प्यारा सीरियल है. ये एक मेडिकल ड्रामा है जिसमें हम लोग एक मैसेज के साथ साथ एंटरटेनमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कंटेंट थोड़ा बहुत मिसिंग है हमारे टेलीविज़न से, और कंटेंट पे हम लोग ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि फैंस, व्यूअर्स इसे पसंद करें ताकि हम लोग और एनकरेज हों अच्छा काम करने के लिए. आज और इस फोटो शूट के बारे में मेरे किरदार का नाम है मोना तलवार, और ये रजत सिंह और रोशनी की चाइल्डहुड फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है. दे ग्रोन अप टुगेदर. जैसा कि एपिसोड में आपने देखा है कि रजत को इस किरदार से प्यार था, मोना से प्यार था, लेकिन मोना को इस बारे में कुछ नहीं पता था, और वो मूव ऑन कर जाती अपनी लाइफ में. शी गेट्स मैरिड, देन फर्दर गेट्स डिवोर्स्ड, और फिर कैसे वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है और वापस रजत के हॉस्पिटल में ही एडमिट होती है. शी इज़ अदरवाइज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. शी इज़ गॉट अ हेड ऑफ हर ओन, शी इज़ गॉट अ माइंड ऑफ हर ओन. एज पर माई राइटर, शी इज़ ब्यूटी विद ब्रेन्स. वो हर तरह की क्राइसिस, हर तरह की सिचुएशन को डील करना जानती है, लेकिन ये पर्सनल लाइफ में जो उसकी क्राइसिस हुआ वो उसके लिए थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग था, और वो हैंडल नहीं कर पाई, जिस वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया. लेकिन रजत इज़ देयर फॉर हर, और किस तरह से रजत उसको हेल्प आउट करता है टू कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस, ये व्यूअर्स देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में.